हेलो गाइस, इट्स समर शेक एंड वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज मुझे जो सर्दी वाकई फील हो रही है, तो देखे सिर्फ मैंने अपना थोड़ा फेस निकला हुआ है जैसे मैं ब्लॉग शूट कर पाऊँ। वैसे आज मौसम ठंडा है, विंडो भी बंद है, दरवाज़ा भी बंद है, फिर भी आज मुझे थोड़ी सर्दी लग रही है। तो बस आज जुम्मे का दिन है, यूनि भी ऑफ है, तो फिलहाल मुझे टाइट भूख लगी है यार। पता नहीं क्यों सुबह के टाइम मुझे भूख ही लगती है। तो फिलहाल करने जा रहा हूँ नाश्ता, और उसके बाद जो आज दोस्त के पास जाएंगे या कहीं घूमेंगे, क्योंकि तो यूनि भी ऑफ है। तो मतलब 4-5 दिन यूनि की वजह से कहीं भी नहीं जा पाया, आज फाइनली घूमेंगे। पर आज मुझे तो अच्छा काम भी है, एप्स वगैरह मुझे यूनि से लेने, मतलब जो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल करने जा रहा हूँ नाश्ता। हाँ तो फ्रेंड्स, जुम्मे की नमाज के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, और मैं जो पहने सलवार कमीज, पता है क्यों? क्योंकि आज मेरी अम्मी से सुबह बात हुई, बात तो वैसे डेली होती है, बट आज मुझे अम्मी ने कहा है कि आज तुम्हें लाजमी सलवार कमीज पहननी है जुम्मे की नमाज के लिए। मैंने कहा ओके, तो अम्मी जी सलवार कमीज पहन ली। तो बस अभी जा रहा हूँ नमाज में, तकरीबन 15-20 मिनट है, तो थोड़ी देर खुतबा वगैरह वाइज वगैरह सुनेंगे, तो जल्दी जल्दी से जाता हूँ नमाज पढ़ते हैं, और उसके बाद सीधा निकलेंगे दोस्त के पास, एप्स डाउनलोड करके फिर सीधा निकलेंगे जोहर। आज तो कन्फर्म जाऊँगा इंशाल्लाह, आज जाना है। तो बस फिलहाल मैं जा रहा हूँ नमाज को। हाँ तो भाई, नमाज वगैरह पढ़ के आ चुका हूँ, अब इस लैपटॉप को और चार्जर को डालते हैं बैग में, सीधा चलते हैं दोस्त के पास। शूट नहीं करूँगा बिकॉज ये 2 घंटों का काम है, शूट करता हूँ उसमें 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो बस सीधा 5:30 के बाद ही मिलूँगा, आप कुछ भी नहीं दिखा रहा बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट है। वहाँ पे भी देखते हैं क्या करना है। आज मैंने सोचा कुछ न्यू डिश वगैरह ट्राई करेंगे या कुछ फूड इन्जॉय करेंगे, जो भी आपको आपको दिखाएंगे आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस फिलहाल मैं पहले ये काम कर लूँ बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट वगैरह मिली हुई है मुझे बहुत ज़्यादा। हाँ तो गाइस, जो मुझे डाउनलोड्स वगैरह करने थे तकरीबन सारा काम हो चुका है, और बस अभी जल्दी से निकलते हैं। टाइम हो रहा, मैंने टाइम भी नहीं देखा कितना हो रहा, बस यहीं पर बिजी था 4:30। तो बस अभी फटाफट से निकलते हैं जोर, और वहाँ पर जो है शायद पासेदार नहीं आया, तो मतलब जो भी है फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ पर खुद अकेला भी घूमूंगा, रात को दानिश के साथ शायद स्टे भी करूँ, तो जो भी रहेगा आपको दिखा दूंगा। फिलहाल जो है डाउनलोड हो चुका है, बस मैं निकलता हूँ। इस टाइम आप देखें 8:30, और मैं वहाँ से निकला हूँ 5 बजे, यहाँ पे पहुँचा हूँ 5:30 बजे, और भाई साहब ने इतनी ज़्यादा लेट करवा दी, टाइम आपके सामने। तो फिलहाल जा रहे हैं बाहर, कुछ विजिट वगैरह करेंगे बिकॉज आए हैं, लेट होगी तो चलो खेल थोड़ा घूमते फिरते, अगर कुछ खाया तो ठीक है, अदरवाइज जो है कुछ और सीन बनाएंगे। फिलहाल जो है यहाँ पे मेरे कज़न की बर्थडे है, फॉर्चुनेटली हम आ गए, तो वो लोग बोले आप ही का इंतज़ार था वाह, तो वहाँ पे केक कट हो रहा है, हल्का फुल्का सा शूट करूँगा, वो भी आपको दिखाता हूँ। 5-10 मिनट यहाँ पे रुक के फिर चलते हैं सीधा बाहर। हेलो भाई, अभी हम जो है पहुंच चुके हैं मलिर बासित, और मैं हाँ बासित भाई जी। भाई क्या सीन है? सीन ये है भाई, जब इंसान घूमने के लिए निकलता है तो भूख तो लगती है खाने की, लगती है, तो अभी हम यही करेंगे, कुछ खाने पीने जाएंगे सस्ता सा। हेलो भाई, हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर करने, घर पे नहीं करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मोबाइल नहीं लेके जा रहा, बताओ आज यार मेरा कोई न्यू चीज खाने का मूड है, मतलब ये जिंगर कढ़ाई तो हम लोग खाते रहते हैं, आज कुछ अलग देखते हैं, कोई चलते हैं कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, आज कुछ सी फूड ट्राई करते हैं, देखते हैं सी फूड देखते हैं। तो भाई सी फूड ट्राई करने का मूड है, जो भी रहेगा वो दिखाएंगे, बट फिलहाल मोबाइल नहीं लेके जा रहा, जो मेरा कज़न उसके पास है, हल्का फुल्का शूट करूँगा, बट रिजल्ट में डिफरेंस होगा तो वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, बट सोच रहा हूँ मोबाइल लेके जाऊँ, बट रास्ता एक तो क्या है थोड़ा ख़राब है, सुनसान रास्ता है, और रात के टाइम में तो नो रिस्क, सेफ वर्क, मोबाइल लेके जा रहा हूँ घर पर, वापसी आप आपको रिपोर्ट देंगे, हल्का फुल्का शूट करूंगा दूसरे मोबाइल में। हाँ तो गाइस, बाहर से होके आ चुके हैं, और हमने जो है खाई थी फिश, फिंगर फिश, में जल्दी जल्दी में शूट करना भूल गया बिकॉज जैसे ही आई तो जल्दी से हम टूट पड़े, भूख लगी हुई थी टाइट, तो बस सुबह जो नाश्ता करा था उसके बाद जो है क्या खाया था, कुछ भी नहीं खाया था, तो बस भूख लगी हुई थी, जल्दी टूट पड़े, अभी आए वापस, टाइम हो रहा है 12, बस दिन बताया यार, देखो तेज बोलो, खाने में तो मजा आता है ये बात, फिर ऊपर से आज हमने न्यू आइटम ट्राई किया था, हां यार फर्स्ट टाइम हमने सी फूड ट्राई किया, मैं तो खैर खाता रहता हूं पर मैंने इस जगह की फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा टेस्ट था,
और उसके बाद खाने के बाद तो मीठा होता है। हमने फालूदा भी खाया बट वो भी मैंने शूट नहीं करा यार। एक तो ये जो रास्ते हैं बहुत सुनसान है और रात का टाइम था, मोबाइल नहीं लेके गया और उसके अलावा चार्ज भी नहीं थी। और ये मोबाइल से मैंने अभी चार्ज लगाया, एक मेरी एक बासित की, तो ये भी अभी चार्ज हो रही है। ये फिलहाल बैठा हुआ था लैपटॉप पे, तो मैं भी अभी लैपटॉप ही ऑन करूँगा। मुझे थोड़ी असाइनमेंट्स भी करनी है, अभी थोड़ी स्टार्ट करूँगा तो फिर उसके बाद कल या परसों कंप्लीट करूँगा। संडे तक मुझे सबमिट करनी है। अभी का कोई सीन है बाहर जाने का, व्लॉग को एंड करूँ यार? अभी तो खैर अगर मूड हुआ तो चाय पे चलते हैं, चाय पीने चलते हैं। बस वो शूट तो फिर नहीं करते, शूट नहीं होगा। और कल का क्या सीन है? कल का भी कोई जगह सोचते हैं। मैं सुबह सुबह के बाद 3 बजे के बाद मैं फ्री हूँ। अबे 3 लेट है यार, 3 बजे के बाद ना। कल मैं आऊंगा तुझे वापसी आ जाइयो, फिर निकलेंगे थोड़ा घूमेंगे। कल वो कर देंगे सेटिंग, बाकी मैं 3 बजे के बाद ही फ्री हूँ, कल काम ज्यादा है। तो लेट सी क्या कल का सीन बनता है। आज का जो है मतलब ऑफ हो गया बिकॉज ये चला गया पता नहीं कहाँ पे यार, 2 घंटे मैंने वेट करा है, रात का टाइम ज़्यादा हो गया। तो बस अभी आए फ्री हो के अभी इस व्लॉग को यहीं पे करने लगा हूँ। एंड आई होप कि व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा होगा लाइक कर दें और चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।